हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और एक्सेस में हम ये कैसे कर सकते हैं कि एक बार में दो टेबल्स से फेच करके डेटा लाएं और उसका ड्रॉप डाउन हमें दिखे। ये सॉफ्टवेयर बनाने की कैटेगरी में ये तीसरा वीडियो है इसी श्रृंखला का। तो इस वीडियो में हम दो ड्रॉप डाउन क्रिएट करना सीखेंगे और ड्रॉप डाउन तो आप जानते ही हैं कैसे क्रिएट किया जाता है जनरली, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ क्रिएट पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो आएगा। ये देख सकते हैं यहां पर व्यू पर करना है क्लिक, ये टेबल वन आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा दे देता है। आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको नाम दे देता हूं कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं कैटेगरी। ठीक है, तो ये कैटेगरी दे दिया हमने और यहां पर ओके प्रेस कर दिया। ओके, तो ये हो गई कैटेगरी। अब यहां पर आईडी आ रही है, मैं इस कैटेगरी को ही प्राइमरी की बना देता हूं। ठीक है, एक कैटेगरी हम एक ही बार यूज करेंगे और यहां पर रख देंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, क्या रखेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। ओके, और यहां से व्यू पे कर दीजिए क्लिक। व्यू पे कर दिया, अब यहां पे यस कर दीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कैटेगरीज बना सकते हैं। अब कैटेगरी बनाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कैटेगरी एक बना दी हमने बुक की, तो इसमें बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, बुक की कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब हमने कैटेगरी बना दी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद एक और कैटेगरी बना देता हूं मैं ग्रोसरी का। ग्रोसरी यानी दाल चावल आटा चीनी ये सब, तो ये हमने दे दिया ग्रोसरी। ठीक है, और इसी तरह से चाहे तो और भी कैटेगरी आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं यूटेंसिल। यूटेंसिल बोले तो बर्तन से संबंधित। ठीक है, तो ये हो गया और यहां से सेव कर दिया इसको। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये टेबल हमने क्लोज कर दी, ये एक टेबल हमने बना ली। क्रिएट पे चलते हैं, फिर टेबल पे चलते हैं, फिर यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर दूसरा जो टेबल हम बनाने वाले हैं वो होगा कस्टमर का टेबल। ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने कस्टमर टी। ओके, एंटर प्रेस कर दिया तो ये कस्टमर का टेबल आ गया। अब यहां पर आप चाहे तो कस्टमर आईडी डाल सकते हैं, यहां पे कर देता हूं कस्टमर आईडी। ठीक है, इसे ऑटो नंबर रख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आने के बाद यहां पर कस्टमर का नेम आएगा, तो यहां पर कर देता हूं कस्टमर नेम। ठीक है, इसे रखूंगा शॉर्ट टेक्स्ट और यहां पर ओके प्रेस करूंगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर कस्टमर का नेम आएगा, यहां पर डबल क्लिक करके इसे आप चाहे तो रिसाइज कर सकते हैं। यहां पर कर देता हूं राम, फिर यहां पर आएंगे, यहां पर कर देता हूं श्याम, यहां पर कर देता हूं राजू, फिर यहां पर कर देता हूं संजू। इसी तरह से कस्टमर्स के नेम आप डाल सकते हैं। यहां पर किया और इस टेबल को भी कर दिया हमने। एक टेबल हो गई कैटेगरी की और दूसरी टेबल हो गई कस्टमर की। ठीक है, अब तीसरी टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट की। तो यहां से जाएंगे टेबल पे, जाएंगे टेबल डिजाइन पे भी जाके बना सकते हैं और यहां पर अब प्रोडक्ट की टेबल। तो यहां पर प्रोडक्ट की जो टेबल बनेगी, ठीक है, तो ये हमने कर दिया प्रोडक्ट। ओके, और यहां पर ओके प्रेस कर दिया और यहां पर आईडी आ रही है, तो ये प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है, तो यहां पर इसे शॉर्ट टेक्स्ट रख देता हूं और यहां पर कर देता हूं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट नेम आएगा। ठीक है, ये कर दिया हमने और यहां पर प्रोडक्ट के नेम आएंगे और यहां पर तो जैसे मान लीजिए यहां पर कर दिया हमने S101, तो ये हो गया प्रोडक्ट की आईडी। और यहां पर प्रोडक्ट का नाम जैसे मान लीजिए हमने कर दिया शुगर। ठीक है, फिर यहां पे S102 कर दिया, फिर यहां लिख दिया जावा की बुक हो गई, तो यहां पर जावा कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहां पे कर दिया S103, ऐसे करके देते चले जाएंगे। और यहां पे मान लीजिए पाइथन की बुक हो गई, तो यहां पे पाइथन हो गया। ओके, इसी तरह से S104 और यहां पर हम कर देते हैं सोयाबीन। ठीक है, तो ये भी ग्रोसरी से रिलेटेड ही है। और S105 स्पून कर देता हूं, ये एक और कैटेगरी है यूटेंसिल्स यानी बर्तन की। तो ये इस तरह से तीन टेबल हमने बना लिए हैं। अब इन सबको एक साथ रिलेशनशिप एक साथ लेके आना है, यानी ड्रॉप डाउन हमें चाहिए। तो यहां पर एक टेबल बना लेते हैं और ये टेबल वन के नाम से इसे रखता हूं मैं। और यहां पर देखिए आईडी आ रही है, तो यहां पर इसे सीरियल नंबर या इस तरह का कुछ कर देंगे हम। ठीक है, और फिर यहां पर अब हम वो चीजों को देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कर दिया कैटेगरी, तो कैटेगरी यहां पर आएगी। तो यहां पर क्या करेंगे,
ये जो शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है ना, यहाँ पर जाकर के लुकअप विजार्ड पे जाएंगे, ठीक है। लुकअप विजार्ड पे जैसे ही जाएंगे आप, तो यहाँ पर इस तरह का एक आपके सामने आएगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। और कैटेगरी हमें कैटेगरी वाले टेबल से लेनी है, तो यहाँ से कैटेगरी पिक कर लीजिए आप। तो ये पिक कर लिया हमने और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और इसे फिनिश कर दिया, तो ये कैटेगरी वाली टेबल यहाँ पे आ गई। अब फिर यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो फिर हमें कस्टमर का नेम भी इसी टेबल में चाहिए और ड्रॉप डाउन में चाहिए। तो कस्टमर नेम, और ये जो कस्टमर का नेम है ना वो भी यहीं से पिक होगा। तो यहाँ पर लुकअप विजार्ड पे जाके और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर कस्टमर टी, ओके, फिर यहाँ पे जाके कस्टमर आईडी चाहिए नहीं, कस्टमर नेम ही चाहिए। तो ये कस्टमर नेम कर दिया हमने और यहाँ पे इस तरह से जाके इसे फिनिश कर देंगे ये रिलेशनशिप। लुकअप विजार्ड पे जा करके यहाँ से ये गए और नेक्स्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टेबल से प्रोडक्ट नेम आएगा, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम की ही जरूरत है, तो प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पर करते हैं क्लिक और फिर नेक्स्ट किया, फिर फिनिश कर दिया और यहाँ से यस कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। तो तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं और तीनों ये ड्रॉप डाउन में होंगी। कैसे होंगी ये देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू पर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कस्टमर में हमने डेटा फिट किया है, प्रोडक्ट में भी फिट किया है और यहाँ पर कैटेगरी में भी किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेबल वन में आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही कैटेगरी पे आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी कैटेगरीज दिखाई पड़ेंगी, जो भी कैटेगरी पिक करना चाहते हैं यहाँ से पिक करिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको कस्टमर का नेम दिखाई पड़ेगा, ये सारे कस्टमर के नेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप कस्टमर का नेम ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, डबल क्लिक करके रिसाइज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए पाइथन की बुक है, बुक ही तो है, तो पाइथन की बुक कर ली हमने, तो इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। श्याम कर दिया और ये किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम की लिस्ट हमने अभी तैयार नहीं की है। तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना पड़ेगा तैयार करने के लिए, इसी प्रोडक्ट वाली टेबल में आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से S0106 करना पड़ेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया मॉनिटर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नाम हो गया। तो यहाँ पर अब आएंगे ये टेबल वन वाले में और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का नाम। तो अभी देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक बार रिफ्रेश पर क्लिक करिए और फिर यहाँ पर आ जाइए, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नाम आपको दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से करके आप इसे पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी और सॉफ्टवेयर बनाने की कैटेगरी में अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसी के आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।